मेरी इतनी जरूरत की तूने मेरे सामने खड़े होने की हिम्मत की? हाँ सर, एमएलए शिव कृष्णा जी आए हैं। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। तुम मामूली इंसान नहीं हो, एक बड़े आदमी को ऊपर भेज दिया है। चलो अंदर चलकर बात करते हैं। कितनी आग चिता में चल रही है उससे भी ज्यादा आग मेरे दिल में है। आपके पिताजी गांव में राजा की तरह थे, जिनके 3 जवान बच्चे हैं। हमेशा साथ में रहने वाला साला है, ऐसे आदमी को सरेआम मार डाला। सुनो बच्चों, मरने के बाद कुछ साथ में नहीं जाता, पर इनके मरने के बाद मेरा अधिकार और तुम लोगों का आधिपत्य सब इनके साथ ही चला गया। माँ के मरने के बाद उसका दाह संस्कार छोटा बेटा करेगा और पिता का दाह संस्कार बड़ा बेटा, पर बाप को किसी ने अगर मार डाला तो उसके पूरे खानदान को तीनों बेटे तहस नहस कर डालेंगे। इसको पढ़ने के लिए बाहर भेजो तो सिर्फ झगड़ा करता रहता है, पता नहीं ये पढ़ पाएगा कि नहीं। आपने भी तो पढ़ाई नहीं की ना, जब देखो राम राजू के साथ घूमते रहते हो। क्या बात कर रही हो तुम, राम राजू जी भगवान के जैसे हैं, वो हम पर जितना विश्वास करते हैं ना, अगर उनके लिए जान भी दे दूं तो वो भी कम है। स्कूल नहीं गया क्या? ये स्कूल क्या जाएगा, हमेशा झगड़ा करता रहता है, आज भी झगड़ा करके आया। छोटा बच्चा है, सुधर जाएगा। चलो चलते हैं। चलता हूँ बेटा। एक को भी छोड़ने का नहीं। भैया वो अपने आदमी को मार के कहीं तो भाग गया है। कहां भाग जाएगा, जिस दिन पकड़ में आएगा तब समझेगा मौत कितना भयानक होता है। ये घर हमेशा ऐसा ही रहना चाहिए, घर हमेशा बिना एक भी मर्द के बिना। रोना मत, अगर तुम इस तरह टूट गई तो तुम्हारे बेटे का क्या होगा? मेरे पिता को मार दिया, गांव में हम लोगों की कोई इज्जत भी नहीं, जंगल में आवारा की तरह भटकना पड़ रहा है हमें। कभी ना कभी राम राज को मारने का लक्ष्य पूरा करूंगा। आकाशवाणी। कोई काम नहीं, अब देखो तब मेरी बैठने के लिए बोलती है। मकई कितने के दी? 15 रुपए। 5 रुपए में दोगे? नहीं आएगा। चलो ठीक है 6 रुपए। नहीं आएगा। जाने दो, 7 में दे। नहीं मिलेगी। क्यों, क्यों नहीं दोगे? तुम मिलोगी। 7 रुपए तुम मिलोगी। ऐसी बातें करते हैं, मैं तुझे ऐसी वैसी दिखती हूँ कि माँ की तरह पीस पीस करके मैं तुझे फेंक दूंगी। समझ में आया?
ड्राइवर और कंडक्टर को चाय देकर क्या? जाओ, तुम हमेशा ऐसे ही करते हो। अगर वो लड़की देखेगी तो मेरी इज्जत नहीं जाएगी। हर रोज कॉलेज के बस आते ही सेठ जी जैसे तैयार होकर बैठ जाता है। नीचे बैठ के मकई बेचने में शर्म आती है। कॉलेज की लड़की को पटाने के चक्कर में धंधे की ऐसे की तैसी करता रहता है ये लड़का। सॉरी, जल्दी आ। अरे तुझे इतनी देर कैसे हो गई? क्यों रे, गौरी कॉलेज को गई? हाँ गई जीजा जी। अरे भानु, नाश्ता तो कर ले। हाँ आ रहा हूँ। कॉफी पी लीजिए। भैया श्याम भैया को पुलिस। भैया श्याम भैया को पुलिस ने पकड़ लिया। अगर वो कोर्ट में हाजिर हो गया तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। सीनू कहाँ है? अरे इधर आकर बैठो। मुझे पीछे बैठना है। अरे ये खाली पड़ी है ना। बस में जो चढ़ेंगे वो मुझे दिखना चाहिए। बकरे हैं भाई, परेशान क्यों हो रहे हो? ए, क्या हुआ? सुनाई नहीं देता क्या? चलो जल्दी हटाओ रोड पर से बकरों को। हटाओ जल्दी। अच्छा ये बताओ कि आखिर में से मारा किसने? पता चलेगा तो भी हम कुछ नहीं कर सकते। यहाँ इतने लोग हैं, कोई भी हो सकता है। राम राज्य के आदेश का पालन करने के लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। हम उन्हीं का यहाँ इंतजार कर रहे हैं। राम राज्य की बात उन्हें खुद पता होती है या फिर काम करने वाले को। तुम्हारे पिता को मारने वाले को पुलिस के सामने ही खत्म कर दिया, शाबाश। इस मौत के बाद जंगल में रहने वाला भी बाहर आने से डरेगा। हेलो, हाँ चंदू, कुछ दिनों के लिए संभल के रहना। ये यहाँ क्यों आए? ए, अकल नहीं है? मेहमानों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करते। आप गलत मत समझना, अंदर आइए ना। अरे रे 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 रे, मौत वहाँ हुई, तमाशा यहाँ हो रहा है। ये तो राम राज्य हो गया। अरे सीआई साहब भी यहीं है, इसका मतलब पूरा केस यहीं पर रफा दफा करेंगे। सही बात है, बड़े लोग तो सिर्फ बातों से ही सारे काम खत्म कर देते हैं, तो भी जनता कितना प्यार करती है। चलिए ना, अंदर बैठ के बात करते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैं तो सीधा शमशान से आ रहा हूँ। वो क्या है कि जब जिंदा थे तो हमारी बातचीत नहीं होती थी, लेकिन मरने के बाद तो शामिल होना ही पड़ता है। अब मैं भी क्या करूँ, यही तो रिवाज है।
अब इन कपड़ों में तो मैं अंदर नहीं आ सकता, इसीलिए मैं दुआ करता हूँ कि हमेशा आपके घर के सुख शांति बनी रहे। चलता हूँ, हाँ चलता हूँ। मामा को मारने में मदद करते हो, हमें धोखा देते हो। इसे मार डालो। उस रामराज के घर गए तो कारण कितना भी बड़ा हो लेकिन मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। समझ में आ रहा है तुमको? मेरे मामा के मरने से ज्यादा बड़ा दुख ये है। अरे उसकी पार्टी सत्ता में है, उसके हाथ में पावर है, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। तो क्या उनके पास पावर होने से मेरे मामा को दिन दहाड़े पुलिस के सामने मार दिया और हम यहाँ पागलों की तरह जंगल में घूमते रहे क्या? घूमना पड़ेगा, और क्या कर सकते हो? अब तुम गांव में रहकर भी उनका कुछ नहीं कर सकते, और अब तो लोग गांव की सीमा के बाहर हैं। अब तुम क्या कर लोगे? हम क्या थे, हमारा अतीत क्या था, भूल गए क्या? मैं कुछ भी नहीं भूला। जब तुम्हारे पिताजी जिंदा थे तब तुम लोग कितनी शान से घूमा करते थे, लेकिन तुम्हारे पिताजी को रामराज ने कैसे मारा मुझे सब याद है। जिस दिन तुम्हारे पिता की हत्या हुई उसी दिन इसकी पार्टी सत्ता में आई, और उसकी पार्टी के सत्ता में आते ही वो और उसके लोग आज इतने ऊपर उठ गए, और तुम लोग दर दर भटक रहे हो। मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो, हर कुत्ते का एक दिन आता है ये तो मुझे पता नहीं है, लेकिन राजनीति में हर राजनीति करने वाले का एक दिन जरूर आता है यह निश्चित है। सभी भक्तों से विनती है कि वो रामराज जी के पूरे परिवार के साथ पूजा में बने रहे। ए, तुम लोग जा सकते हो। भानु हा? तुम भी चले जाओ। जी जी जाजी। तुमसे एक इंपॉर्टेंट बात करनी है। गौरी को जानते हो? हाँ जानता हूँ। वो अपने कॉलेज में चंदू नाम के लड़के से काफी क्लोज हो गई है। हमारे जमाने में एक लड़का और एक लड़की आपस में बात भी नहीं कर सकते थे, मगर आजकल ये बातें कॉमन हो गई है, ऐसा वो बोल रही थी। चंदू का गांव बगल में है और उसका पूरा खानदान वहीं रहता है। इलेक्शन में ये बातें परेशान कर रही है, और मुझे बदनाम करने के लिए अपोजिशन वाले मेरी बेटी के इस मुद्दे को आड़े रख सकते हैं। इसलिए सुनो, तुम गौरी के साथ कॉलेज जाओ और देखो, अगर इन दोनों के बीच में सिर्फ दोस्ती है तो छोड़ दो, और प्यार है तो उस लड़के को मार दो। संभाल के करना, ये अपने घर का मामला है, किसी को पता नहीं चलना चाहिए, इसलिए ये काम तुम्हें सौंप रहा हूं। ना समझ के गले लगाया तो हमारे पीठ में ही छुरा घोंप दिया। ए, तुम लोग चालू रखो। बेटा समझा तो हमारी घर की बेटी पर नजर डालता है।
तुम्हें गौरी के पीछे जाने के लिए मैंने बोला था, अभी तक क्यों नहीं बताया? मुझे दिए हुए वादे को निभाने के लिए इतना मार खाते हुए भी, उससे भी ज्यादा लोगों के सामने अपमान होते हुए भी इसका मुंह नहीं खुला। इसे कहते हैं मर्द की जुबान। योरे, इस पे तूने शक किया? घर की औरतों की इज्जत बाहर नहीं जानी चाहिए, इसलिए अब तक ये अपमान बर्दाश्त करता रहा, और तूने अपने ही घर की बेइज्जती की। तुम्हें इस घर का खाना हजम हो गया, लेकिन घर की इज्जत संभालना नहीं आया। ये सिर्फ मेरी इज्जत ही बचाने वाला नहीं, मेरे भरोसे को भी नहीं तोड़ेगा। मैं अपनी परछाई से भी ज्यादा इस चीनू पे भरोसा करता हूं। इसके बाद इसके बारे में कुछ बात करने से पहले मेरी बात हमेशा याद रखना, भरोसा इसके खून में ही है। चलो। सुनो, जिस काम के लिए गए थे उसका क्या हुआ? गौरी किसी से प्यार नहीं करती, और कोई भी गौरी से प्यार नहीं करता। फिर कभी ऐसी गलती की तो जान निकाल दूंगा। ए, लेके जाओ इसको। चिनो, इधर आ। ऐसे क्यों देख रहा है? आप अच्छे इंसान हैं या बुरे इंसान? कुछ लोग आपको अच्छा बोलते हैं, कुछ लोग बुरा बोलते हैं। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं आपको क्या समझूं। क्या आप इस दुनिया में ये अच्छा है ये बुरा है बोलने वाला कोई नहीं है रे। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अपने ऊपर जिसने भरोसा रखा उसे कभी नहीं तोड़ना चाहिए, और उस भरोसे को नहीं निभाते हुए अगर उसे तोड़ दिया तो बुरा होगा। मैं कुछ समझा नहीं। जब तुम बड़े हो जाओगे तो सब समझ जाओगे। पागलों की तरह अपनी हालत बनाकर रखी हुई है तूने। मेरे से नहीं देखा जा रहा ये सब। तूने प्यार किया है ना उस लड़की से? तूने सच्ची मोहब्बत की है, कोई गुनाह नहीं किया है। ज्यादा दिमाग मत लगा, उस रामराज से बात करते हैं। आजा, गौरी भी तुझे चाहती है यार। ये बात अगर रामराज को हमने बता दी तो वो हमको कैसे मारेगा, तू ही सोच। मेरे से नहीं देखा जा रहा ये सब। नहीं यार, गौरी से प्यार करना ही मेरी गलती है। रामराज जी ने मुझ पर बहुत भरोसा किया था, लेकिन इस प्यार के नशे में मैं रामराज जी के बारे में सब भूल गया। उन्हें ये बात कभी भी पता नहीं चलनी चाहिए। अगर पता चल गई तो मैं अपनी जान दे दूंगा। ठीक है, लेकिन गौरी को क्या जवाब दोगे? पिछले साल की तरह इस साल भी भगवान की पूजा किया तो बहुत ही अच्छा रहेगा। भगवान के काम में तो समय देना ही पड़ेगा। अच्छा दिन देखकर मुझे बता दीजिएगा पंडित जी। पहले इस घर में आते थे तो खाना मिलता था, अगर ये बात मालूम चल गई तो ये लोग तो हमारी जान ही ले लेंगे। उनके सामने ज्यादा बोलना मत, समझ गया ना? क्या रिश्ते रामराज जी? वो हैदराबाद से अभी फोन आया था। हाँ। अपने शिव कृष्णा को एमएलए का टिकट मिल गया। गौरी बुला रही है। 10 दिन में काम शुरू हो जाएगा। चुप बैठना। इलेक्शन खत्म होने तक कुछ और काम मत करना। ठीक है, मैं अभी जाकर सारी तैयारी कर देता हूँ। अच्छी तरह से प्रचार करना। हाँ ठीक है। अरे चुप बैठ, बोला था ना तुझे। अरे भाई, तब से मैं देख रहा हूँ, ऐसे क्यों नाच रहे हो? किस्मत में जब डंडे लिखे हो तो मंडे को भी अंडे नहीं खा सकते सर। वैसे भी आज संडे है। इसे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ इसे। ठीक है, मैं इस काम को देख लूंगा, चलता हूँ। चलना। अरे देख के चला कर, इतनी भी जल्दबाजी किया? हाँ ठीक है माँ। यार तेरे को गौरी क्या मस्ती कर रहा था? तू सुन नहीं रहा था? अगर उनको पता चल जाता तो पागल कहीं कभी कर रहा था, तेरे लिए कर रहा था, समझ में आया ना? हाँ चुप बैठ। तीनो, तीनो रुको। गौरी पीछे है। पता है गौरी पीछे है और उसके पीछे भानु आ रहा है। अब तो इसको शक हो गया। तू घबरा मत, तू लड़की को देख, मैं इसको संभाल लूंगा। तू उधर जा। तीनो
अभी मेरे पीछे क्यों आ रहा है? ये पेन इतना छोटा क्यों है? तेरे को लगना है कि कबड्डी खेलना है इससे? आजकल तुम भी कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। भानु मेरे पीछे पड़ा हुआ है, तुम लोग कुछ ना कुछ बोल के मैटर सॉल्व कर देना। मैटर क्या? अबे अभी कुछ मत पूछ, बाद में सब बताऊंगा, वो आ रहा है। अपने गांव में जो भी लफड़ा होता है सबको मेरी जरूरत पड़ती है, मेरे बिना गांव कैसे चलेगा? ए! क्या हुआ से? चिल्ला क्यों रहा है? ए! चल चल कर पूछते हैं। क्या हुआ जी, बोलिए। सीनू को देखा क्या? अरे बाप रे बाप, भानु जी थू। अरे आपके जैसा आदमी पूछेगा तो कोई भी जवाब देगा। बाप रे बाप, भानु जी आप तो थूक। कितने पॉपुलर हैं, बोलेंगे तो आप भरोसा नहीं करोगे। आप हीरो होंडा पे सेंटर से जा रहे थे ना? बाप रे बाप, आप कैसे दिख रहे थे, पता है आपको? थूक। ए! अरे बोलते हुए आप कैसे लगते हैं, पता है आपको? थूक। बताइए क्या हुआ? वो कहाँ गए? किस तरफ गए जी? शाना बन रहा है। उधर गए जी, हमको ही बेवकूफ बना रहा है। क्यों रे, मेरा परफॉर्मेंस कैसा लगा रे? मुझे थोड़ा काम है, मैं बाद में आता हूँ। देख लिया, हाइड एंड सीक खेल रहे हो ना? मेरा दिमाग मत खा। एक प्यार करने वाले का दर्द मैं ही समझ सकता हूँ। देख लिया। गॉड ब्लेस यू। हमारे नेताजी जिंदाबाद। हमारे नेताजी हमारे नेताजी। इस बार सीट हमें मिली है तो जीत भी हमारी ही होगी। आधा क्या शत्रु को वश में करने के लिए पूरा ही जीतना पड़ेगा। हम जीत जाएंगे क्योंकि वही पार्टी अगर दूसरी बार सत्ता में आएगी तो पूरी तरह माहौल बिगाड़ के रख देगी। अगर आप मुझे वोट नहीं देंगे तो किसे देंगे? ए, इतने लापरवाह मत हो जाओ, अपने एरिया में आप लोग प्रचार करते रहो, तभी अपनी जीत होगी और अपनी सत्ता। मेरी प्यारी माताओं, बहनों एवं भाइयों, आज से आप लोगों के दुख दूर हो गए। मैं कौन हूँ आप लोग यही सोच रहे होंगे ना? मैं नेता नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। मेरा नाम कपोत राव। इस तरह क्यों देख रहे हैं आप लोग? कपोत मतलब कबूतर, शांति का चिन्ह। मेरी माँ कन्नड़ है, बाप कन्नड़ा से। अच्छा, उस लड़की के साथ आपके क्या संबंध है? गुड क्वेश्चन। अगर संबंध नहीं होता तो मैं यहाँ क्यों आता? आपके ऊपर कनाडा में कुछ केस चल रहे हैं ना? केस चल रहा है इसीलिए तो सूट केस लेकर आया। इस गांव में दो दलों के बीच में कई सालों से झगड़ा होता आ रहा है, आप उन्हें रोक पाएंगे? वो मुझे रोक सकते हैं क्या? 58 देशों में घूमकर शांति स्थापना कर रहा हूँ। हर देश के प्रेसिडेंट, उनकी वाइफ, मिलिट्री के लोग मेरी बातों से प्रभावित होकर मेरे साथ फोटो खिंचवाते हैं, पता है? आपका पार्टी क्या कहता है? इसी बात का तो मैं कब से इंतजार कर रहा हूँ। अच्छे चरित्र का निर्माण करके स्वर्ण अक्षरों से मेरी पार्टी का नाम लिखवाने वाला हूँ मैं। आगे मन और पीछे शांति, यानी मन शांति, मेरी पार्टी का नाम। कैसा लगा? तालियां बजाओ, तालियां बजाओ। क्या तूने इन्हें पैसे नहीं दिए? आप कैसे करते हो? इट्स वेरी सिंपल, यू नो, सुबह सुबह उठते ही एक ग्लास गर्म पानी में आधा चम्मच शहद और एक नींबू निचोड़कर पी लेता हूँ। दो चार इडली, लंच में थोड़ी, इवनिंग पकौड़ी, नाइट में लाइट डिनर, उसके बाद थोड़ा सा, यानी दो ही बार अगर मौका मिल गया तो। शांति से चर्चा करता हूँ। सर आप ये सब मत बताइए, मैनिफेस्टो के बारे बताइए। मैनिफेस्टो डायरेक्ट मैं जनता को ही बताऊंगा। श्री कृष्णा जी को वोट देकर अपने भारी बहुमत से जिताइए, उनकी जीत में ही हम सबकी भलाई है। ए, नहाने के लिए आया था, सिर्फ हाथ पैर धोने जा रहा है क्या? ना यार, शेर रोज नहीं नहाता, कभी कभी मुंह धोता है। वैसे भी मैं तो हमेशा फ्रेश ही रहता हूँ, लेकिन तू रोज ना, तुझे गौरी से मिलने जो जाना। कहाँ है तेरा फ्रेंड? वो नीचे है, चालू होने वाली है। गौरी मुझे जाने दो, किसी ने देखा तो अच्छा नहीं लगेगा। कल कितनी आवाज थी, जवाब नहीं दिए, पिताजी थे इसलिए। अच्छा हुआ मैं जल्दी आ गया, क्लाइमेक्स में मेरा क्या काम। क्यों रे बबलू, प्रचार का काम कहाँ तक पहुँचा? क्लाइमेक्स पर तो पहुँच ही गया है। मतलब? काम तो काफी अच्छा चल रहा है। वो धूप ज्यादा है ना, इसलिए मैं नहाने के लिए आया था। रोज नहाने से हम बीमार नहीं पड़ते हैं। भाई ऐसे बैठे हुए तो आप बिल्कुल राजा लग रहे हैं, अद्भुत। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चक्रवर्ती राजा यहाँ पर मेरे सामने बैठा हुआ है। राजा की जय हो, हम जो कर रहे हैं। राम जी हमारे सामने, जय हो। अरे बाप रे, राम राजी तुम जाओ, हम बाद में बात कर लेंगे। यहीं पे जाना है? अरे नहीं नहीं नहीं, रुको 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 रुको, इतना क्यों डर रहे हो? कभी ना कभी पिताजी को पता नहीं है, अभी बुलाओ क्या? इतना टेंशन में क्यों हो? क्यों रे,
गांव वाले कैसे हैं? रामराजू की जय, रामराजू की जय, रामराजू की जय। लगता है बड़ी का बकरम मैं ही बनने वाला हूँ। बबलू, सीनू कहाँ गया? अंदर ही तो है। घर के अंदर है भैया, घर के अंदर बैठा है। क्या रे, अभी ना के आया ना, तो इतना पसीना क्यों आ रहा है? आज इतनी गर्मी है ना, इसीलिए पसीना आ रहा है। मैं कितना भी नहाऊं पसीना बंद ही नहीं हो रहा है। प्लीज गौरी, तुम चिल्लाओ मत, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ। जो है हम बाद में देख लेंगे। कुछ बोलना चाहते थे तुम, आज बोल दो। रामराज जी के योद्धा शिव कृष्ण जी आगे की तरफ बढ़ रहे हैं और लगता है इस बार वो हमारे नेता बनेंगे। शिव कृष्ण जी की जय हो। गाड़ी ठीक हो गई है भैया। सुनो, सवाल कर लेना। ए, चलो। हाँ जी, चलिए। कहाँ भाई, कहाँ गया? ये दोनों तो पानी के अंदर लवेरिया लवेरिया वाला खेल खेल रहे हैं, और मुझको तो भानु। हाँ जीजा जी। कल सुबह हम दोनों को खेत पे जाना है, रेडी रहना, समझ गए ना? तुमसे एक बात बताना चाहता हूँ। तुम्हारा शक सही निकला। सीनू और गौरी आपस में प्यार करते हैं। जब मुझे पता चला तब मैं ये सब भूल करके सीनू ने मेरे लिए कितना किया उसे खत्म कर देना चाहता था। मगर अचानक इन दोनों की बातें सुनने के बाद, उम्र में छोटे होते हुए भी दोनों ने कितना बड़ा सोच लिया, और उम्र में बड़ा होकर भी मैंने कितना घटिया सोचा था, तब पता चला। जब मैं उनके प्यार को खत्म करना चाहा, तब मुझे दो रास्ते दिखाई दिए। एक गौरी को इनसे दूर करना, और दूसरा इन दोनों को इस मुसीबत से दूर करना। मुझे दूसरा वाला अच्छा लगा, इसलिए उनको भेज दिया। तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंपने के लिए अपने साथ लाया हूं, गौरी की जिम्मेदारी। मुझे सब कुछ पता है। मेरे भरोसे को जीतने के लिए अपने प्यार को छोड़ने की जरूरत नहीं। देखो बेटा, प्रेम और भरोसा दोनों आसमान और जमीन नहीं है। जहां भरोसा है प्यार वही है। तुमने बचपन में मुझसे पूछा था कि मैं अच्छा हूं या बुरा। तुम्हारे उस सवाल का जवाब मैं आज दे पा रहा हूं। मेरे भरोसे को ना तोड़ते हुए तुम एक अच्छे इंसान हो, और मैं तुम्हारे भरोसे को तोड़कर तुम्हारी जान लेना चाहता था। मैं वो बुरा वाला इंसान हूं। उस दिन तुम गौरी से जो बातें कर रहे थे वो सुनने के बाद पहली बार मैं राजनीति और ऊंच नीच सब कुछ छोड़कर पीछे देखा। मैं तुम्हें एक जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, वो भी अपनी इच्छा से। तुम और गौरी इस परिस्थिति से दूर होके खुश रहना। शिव कृष्णा से बात कर चुका हूं, उसने सारा इंतजाम कर दिया है। इन हालत में आपको छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। तुम्हारे पिता ने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी, और अभी तुम, ऐसा कब तक चलेगा? मैंने कहा ना मैं नहीं जाऊं। हमारे ऊपर तुम्हें भरोसा है ना? तो मैं जो कह रहा हूं वो सुनो। गौरी को लेकर चुपचाप यहां से निकल जाओ। गौरी, अब ज्यादा सोचो मत, जल्दी जाओ। तुम लोग खुशी से रहना।
तुम्हारी बहन से शादी के बाद बहुत दिनों तक हम दोनों को कोई बच्चा नहीं हुआ था। तब तुम बहुत छोटे थे, हमारे सामने ही खेलते थे। तुम्हें देखकर हम दोनों को कभी बच्चे की कमी महसूस नहीं हुई। गौरी के पैदा होने के बाद ये सोचा कि लड़की है ससुराल चली जाएगी, लेकिन जिंदगी के आखिरी तक तुम ही हमारे साथ रहोगे। तुम्हें बहन का प्यार नहीं, एक माँ का प्यार दिया है, और ऐसी माँ को ही मार दिया। पूरी जिंदगी में बस यही एक ही दिन काफी है मेरे लिए। आप हमेशा ऐसे ही रहना। शारदा, हमारे इधर आने की बात किसी को बताया है क्या? हाँ, भानु को बताया है जी। क्यों जी? कुछ नहीं, चलो। मौत का कारण तुम हो यह जानने के बाद तुम्हें टुकड़े टुकड़े करके मारना चाहता था, मगर मैं जिंदगी भर तलवार लेके घूमता था, यह बात शारदा को पसंद नहीं थी। लेकिन एक दिन तलवार क्या छोड़ दी थी, उस दिन शारदा बहुत खुश होकर बोली थी, जिंदगी की एक दिन काफी है, इसलिए दोबारा उस तलवार को पकड़ नहीं पाया। वैसे ही कितनों को मारना पड़ेगा इस बेकार के युद्ध में, लेकिन आखिर में तुम तक आ गई। यहां आने की बात तुम्हें रात में बताई थी और तुम इन लोगों को बताने वाले हो, यह मुझे पता था। वो सब मुझे घेर चुके हैं, यह भी पता है। फिर भी इधर क्यों आया पता है तुम्हें? मेरे लिए जो लोग मर गए और जो मरने के लिए तैयार हैं, ये सब लोग मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो इन लोगों के लिए मैंने क्या किया देखें तो कुछ भी नहीं दिखता। तब मुझे लगा कि उन तीनों को चाहने वाला मैं हूं। मुझे मारने के लिए ये लोग मेरे लोगों को मार रहे हैं, इसलिए इतने लोगों के बदले में उनके हाथों से अगर मैं एक मारा गया तो बस मरने के लिए तैयार होके आया हूं। मगर तुमको क्यों लेकर आया हूं पता है? तुमने इतना कुछ किया, अपनी सगी बहन और जीजा को मारने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ मेरी जगह पाने के लिए। मेरी जगह पे रहने के बाद कैसी मौत आती है कि तुम अपनी आंखों से देख लो। फिर भी तुम्हें अगर मेरी जगह चाहिए तो आओ। बहुत बड़ी गलती की मैंने, मुझे माफ कर दीजिए। वो लोग आते ही होंगे, आप यहां से चले जाइए। नहीं, अब तुम बदल गए हो। अगर ये बात उन्हें पता चला तो तुम्हें भी मार देंगे। अगर सच में तुम बदल गए हो, जीजा जी प्लीज समझा कर उन्हें बदलने की कोशिश करो, और गांव में भी लोगों को बदल दो। तलवार के साथ रामराज कैसे जिंदा था ये मत बोलना, तलवार पकड़कर कैसे मारा गया ये जरूर बोलना।
हर युद्ध में नायक का मरना जरूरी नहीं है, मगर राम राज्य में आया हुआ यह परिवर्तन समाज में एक तरह का बदलाव लाने के लिए हमारा यह छोटा सा प्रयोग